मेरे YouTube चैनल पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सारी बातें जो हमें जाननी चाहिए और जो जानना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, वो इनके जन्मदिन के अवसर पर ही मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है और इनके बारे में थोड़ी सी सामान्य ज्ञान की बातें हम जान लेते हैं। तो आइए, माई लाइफ माई वे पर मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हम पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोई भी इंसान कब अमरता को प्राप्त करता है। वह सिर्फ अपने विचारों के कारण, उच्च विचारों के कारण और अपने त्याग के कारण और आदर्श के कारण ही हमेशा के लिए लोगों के मन में अमर हो जाता है। और इसी प्रकार के एक व्यक्ति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके कर्म, जिनके आदर्श आज भी शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का एक माध्यम है। जब भी हम इन्हें याद करते हैं तो हमारे मन में इनके लिए काफी आदर भाव होता है और हम एक शिक्षक के रूप में हृदय से इन्हें नमन भी करते हैं। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि आने वाला युग जब भी आपका नाम ले तो एक आदर्श के रूप में आपका नाम ले, आपके लिए उसके हृदय में सम्मान हो और आपके कर्म ही आपको वो स्थान देते हैं जब आप अमर हो जाते हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। इसके अलावा एक महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक और भारतीय संस्कृति के वाहक भी थे। इन्हें 27 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर राधाकृष्णन का ये विचार था कि शिक्षक की भूमिका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये देश और जाति का भविष्य तय करते हैं। इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उनका मानना था कि सबसे ज़्यादा दिमाग शिक्षक का होना चाहिए और उनका ये भी कहना था कि अगर सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज से सारी बुराइयों को मिटाया जा सकता है। इस कारण भी शिक्षक की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बार उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा व्यक्त की थी और कहा था कि अगर शिक्षक दिवस के रूप में मेरा जन्म दिवस मनाया जाएगा तो मैं ज़्यादा गर्व महसूस करूँगा। इसके अलावा उनके कुछ और विचार थे जिन्हें हम देख लेते हैं। बहुत सारी उनकी बातें थी, अच्छी अच्छी बातें जो शिक्षा प्रद है, पर कुछ को चुनकर मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करे। असली शिक्षा यही होती है, ये इनका विचार था। हमें तकनीकी ज्ञान के अलावे आत्मा की महानता को प्राप्त करना भी जरूरी है। कोई भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आज़ादी प्राप्त ना हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। ज्ञान हमें शक्ति देता है और प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। पुस्तकें वे साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। ये थे इनके विचार और आगे अब हम उनके बारे में और बातें पढ़ते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो 1952 से 1962 तक ये उपराष्ट्रपति रहे तथा भारत के ये दूसरे राष्ट्रपति बने और इनका कार्यकाल था 1962 से 1967। 1954 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनकी उपलब्धियां हम देखते हैं। 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के ये वाइस चांसलर रहे। 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक उन्होंने कार्य किया। सन 1939 से 1948 तक
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। 1929 में इन्हें व्याख्यान देने के लिए मॉन्चेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया था। अब कुछ सामान्य ज्ञान की बातें हैं इनके बारे में, उसे आप देखिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में, जो मद्रास अभी चेन्नई जिसका नाम पड़ चुका है, वहाँ से लगभग 64 किलोमीटर दूर पर यह स्थित है स्थान, वहाँ हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पुरखे पहले कहाँ रहते थे? तो इनके पुरखे पहले सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और इसी कारण इनके परिजन अपने नाम के आगे सर्वपल्ली धारण करने लगे। इनके माता और पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था विरासमिया तथा माता का नाम सितम्मा था। इनके पिता का क्या व्यवसाय था? इनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितने भाई बहन थे? तो ये 5 भाई और 1 बहन थे। अपने भाई बहनों में ये किस स्थान पर थे? तो ये भाई बहनों में दूसरे स्थान पर थे। जीवन के प्रथम 8 वर्ष इनका कहाँ बीता? तो इनका जीवन का प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में ही गुजरा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता किस विचार के थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता पुराने विचारों और धार्मिक भावनाओं वाले व्यक्ति थे। राधाकृष्णन की माध्यमिक शिक्षा कहाँ हुई थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की माध्यमिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथर्न मिशन तिरुपति स्कूल में हुई, जो 1896 से 1900 के बीच थी। डॉक्टर राधाकृष्णन की आगे की शिक्षा कहाँ हुई? तो 1900 से 1904 तक इनकी आगे की शिक्षा जो थी वो बेलूर में तथा उससे आगे की शिक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में हुई थी। कब इन्हें बाइबल के महत्वपूर्ण अंशों को याद करने के लिए विशिष्ट योग्यता पुरस्कार मिला? तो 12 वर्षों के अध्ययन में ही बाइबल के महत्वपूर्ण अंशों को याद करने के लिए इन्हें विशिष्ट योग्यता पुरस्कार मिला था। इनके अध्ययन का विषय क्या था? तो इन्होंने दर्शन शास्त्र में 1909 में स्नातकोत्तर किया था। इनका विवाह कब और किसके साथ हुआ था? इनका विवाह 1903 में 16 वर्ष की आयु में शिवा कामू के साथ हुआ था। इस समय इनकी पत्नी की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। इनकी पत्नी का नाम शिवा कामू था। इनकी पहली संतान कब हुई थी? इनकी पहली संतान के रूप में 1908 में एक पुत्री का जन्म हुआ था। इनका देहावसान कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में इनका देहावसान हुआ और उसका कारण था इनका स्वास्थ्य का खराब होना। इसके अलावे हम ये भी देख लेते हैं कि शिक्षक दिवस सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी मनाया जाता है, जैसे अमेरिका में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। हालांकि हर देश में इसे मनाने की तारीख अलग अलग होती है, जैसे चीन में 10 सितंबर को, अमेरिका में 6 मई को, ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को और ब्राज़ील में 15 अक्टूबर को तथा पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सामान्य ज्ञान की कुछ बातें। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है क्योंकि इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षक के रूप में, भूमिका रह चुकी है और उनके कार्यों के कारण और इनकी इच्छा के कारण और इन्होंने भविष्य के लिए जो मार्ग प्रशस्त किए, इस कारण इनके जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके साथ ही हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।